क्या आप लोग जानते हैं हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि यह सब कुछ ऊर्जा है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम जो भी बातें अपने दिमाग में सोचते हैं वही चीजें हमारे निजी जिंदगी में होती है। ऐसा सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिरकार यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का कानून यह कहता है कि आप जैसे विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वैसे ही अनुभव आपके जीवन में होता है। यह विश्वास इस बात पर आधारित है कि जिन लोगों के विचार शुद्ध ऊर्जा से बने होते हैं उनका आकर्षण भी समान ऊर्जा की तरफ होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपने जीवन में जो चीजें चाहिए उसकी कल्पना हमें हमारे मन में पहले से तय कर लेनी चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि वह हमें मिल चुका है या फिर वह हमारे साथ हो चुका है। इस तरह से हमें सकारात्मक विचार करने की क्षमता बढ़ेगी। इसके वजह से हम अपनी मनचाही चीजों को अपने यूनिवर्स की मदद से आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन इस आकर्षण के सिद्धांत को अब तक कोई भी वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं कर पाया है, पर हजारों लोगों ने इसकी मदद से अपनी जिंदगी बदली है, इसलिए यह सिद्धांत काम करता है, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। ऐसा दावा भी किया जाता है कि आकर्षण के इस सिद्धांत का अनुकरण करने से बहुत लोगों की जिंदगी में बदलाव आए हैं। इन लोगों में से हॉलीवुड के कई दिग्गज एक्टर्स का नाम भी शामिल है जिन्होंने आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग कर अपने जीवन में मनचाही चीजों और परिस्थितियों को आकर्षित कर एक उच्च मुकाम प्राप्त कर लिया है। इस सिद्धांत को यूनिवर्सल भी माना जाता है, मतलब यह हमारे चारों तरफ घिरा हुआ है और हम जिस चीज के तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं अंत में जाकर हमें वही चीजें ही प्राप्त होती है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको चाहिए एक चीज और आप कल्पना कर रहे हो एक से ज्यादा चीज या फिर किसी और चीज की। इस वजह से यह सिद्धांत फेल हो सकता है। आपको उसी चीज के बारे में कल्पना करनी होगी जिस चीज को आप असल में चाहते हो और उसे पाने की लालसा रखते हो। किसी बड़े लेखक का कहना है कि आपकी भावना और आपके विचार से ही आप जिस चीज को चाहते हो उसे जितना हो सके उतना सरल ढंग से सोचो और उस चीज के बारे में सकारात्मक ही सोचो। यही वह सोच और भावना का संयोजन ही है जो उस चीज को आकर्षित करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा चिंता, भय, तनाव या फिर अन्य नकारात्मक विचार लोगों को बीमार करते हैं, जबकि प्रेम के सकारात्मक विचार लोगों को स्वस्थ और यहाँ तक कि कई बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। इसलिए अपने स्वस्थ को बनाए रखने और बीमारी का इलाज करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने आप को स्वस्थ होने के रूप में कल्पना करने में सक्षम होना है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति लगातार सोचता है कि वह गरीब है तो यह उसके भविष्य का अनुभव हो जाएगा और असल में वह गरीब ही रह जाएगा। आकर्षण का कानून हमेशा आपके विचारों के लिए आज्ञाकारी रहा है, इसलिए अगर आप बुरा सोचोगे तो आपको बुरा ही मिलेगा और अच्छा सोचोगे तो आपको अच्छा फल ही मिलेगा। आपकी क्या राय है आकर्षण के इस कानून के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक बार एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।